एलकेजी सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, तो सभी बच्चे अपनी अपनी इंग्लिश की बुक खोल के बैठे और कॉपी भी अपने साथ ही रखें। इससे पहले हमने पढ़ा था पेज नंबर 13, साउंड ऑफ ए। हमने इसमें खूब सारे वर्ड्स अपने लिखे थे, बैट, कैट, रैट, हैट, कैन, टेन, वैन, पैन। हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 14 में। मोर वर्ड्स विद ए साउंड, इस पेज में आपको और भी वर्ड्स दिखाएंगे ए साउंड के, लेकिन उनकी साउंड अलग होती है। ए साउंड है लेकिन उनकी साउंड भी डिफरेंट है। जैसे किसी वर्ड के पीछे एट सुनाई देता है, किसी वर्ड के पीछे एन सुनाई देता है, किसी वर्ड के पीछे ऐप सुनाई देता है, किसी वर्ड के पीछे एट सुनाई देता है, किसी वर्ड के पीछे एक्ट सुनाई देता है। तो इसे तो मैं आपको बोर्ड में करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इसी के नीचे बढ़िए, वर्कशीट ए, फिल इन द मिसिंग लेटर, रीड अलाउड। कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं इसमें आपको, फर्स्ट पिक्चर में बिल्ली, दूसरी पिक्चर में बैग, तीसरी पिक्चर में आपको वैन दिखाई दे रही होगी, फोर्थ पिक्चर में एक बॉल है, फिफ्थ पिक्चर में एक हैट है, सिक्स पिक्चर में नल है। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो हमने खाली जगह को भरना है। तो देख लीजिए, फर्स्ट पिक्चर में बिल्ली है, तो बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं कैट। तो कैट की स्पेलिंग क्या होती है? सी तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही, तो हमने खाली जगह पे लिखना है ए, सी ए टी, कैट। आगे बढ़िए, बैग है, तो बैग की स्पेलिंग क्या होती है? बी तो लिखा हुआ है, खाली जगह पे हमने लिखना है, तो हम लिखेंगे ए, बी ए जी, बैग। फिर आगे बढ़िए, एक वैन नज़र आ रही है, तो वैन की स्पेलिंग क्या होती है? वी लिखा हुआ है, हमने खाली जगह पे लिखना है ए, तो बन जाएगा वी ए एन, वैन। नीचे चलिए, एक गेंद बनी हुई है, गेंद को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बॉल, तो बॉल की स्पेलिंग क्या होती है? बी है लिखा हुआ, खाली जगह पे हमने लिखना है ए, तो बन जाएगा बी ए एल एल, बॉल। फिफ्थ पिक्चर में एक हैट बनी हुई है, हैट की स्पेलिंग होती है एच, खाली जगह पे आएगा ए, तो बन गया एच ए टी, हैट। सिक्स पिक्चर में एक नल रखा हुआ है, तो नल की स्पेलिंग क्या होती है? नल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नल को बोलते हैं इंग्लिश में टैप, तो टैप की स्पेलिंग क्या होती है? टी ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, हमने खाली जगह पे लिखना है ए, तो बन गया टी ए पी, टैप। पेज नंबर 14 में जो ए मैंने आपको भी बताया है, वो आपने इसी तरीके से अपनी बुक पे फिल करना है। और इसी में हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 बी वाला देख लीजिए, मैच द वर्ड विद द पिक्चर। एक साइड तीन पिक्चर दी हुई है, एक साइड भी तीन और पिक्चर दी हुई है, बीच में उनके वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हमने पिक्चर को उसके सही वर्ड से मैच करना है। पहली पिक्चर में कैप है, दूसरी पिक्चर में बॉल है, थर्ड पिक्चर में मैट है, फोर्थ पिक्चर में वैन है, फिफ्थ पिक्चर में कैन है, और लास्ट पिक्चर में बैग है। तो देख लीजिए, सबसे पहला टोपी है, तो टोपी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोपी को इंग्लिश में बोलते हैं कैप, तो जहाँ पे कैप में लिखा हुआ है, हमने उस टोपी को उससे मैच करना है, टोपी को कैप के साथ मैच कर दीजिए। दूसरी पिक्चर में हमें बॉल नज़र आ रही है, तो हमने पिक्चर को, जो बॉल की पिक्चर है, उसको हमने वर्ड से मैच करना है, जहाँ पे बी ए एल एल बॉल लिखा है, तो बॉल को सीधे मैच करेंगे हम बॉल से। थर्ड पिक्चर में एक मैट है, चटाई जिसे बोलते हैं, तो चटाई जहाँ पे बनी हुई है, उसको हमने एम ए टी, मैट से मैच करना है, तो मैट सबसे टॉप में लिखा है, तो हमने यहाँ से एक लाइन लेके जानी है और सीधे मैट पे मिला देनी है। फिर अब देख लीजिए, ऊपर एक वैन बनी हुई है, गाड़ी, तो वैन कहाँ पे लिखा हुआ है? वी ए एन, वैन। पिक्चर से सीधे लाइन लाइए और वैन में उसे मिला दीजिए। फिफ्थ पिक्चर में एक कैन बना हुआ है, तो कैन की स्पेलिंग क्या होती है? सी ए एन, कैन, तो कैन से उसको मैच कर दीजिए। लास्ट पिक्चर में एक बैग है, बैग की स्पेलिंग कहाँ पे लिखी हुई है? बी ए जी, बैग, उसको उससे मैच कर दीजिए, बैग को। तो ये हो गया आपका, ये भी आपने इसी तरीके से अपनी केवल बुक पे करना है। और पेज नंबर 15 जो है आपने सी, राइट टू ए साउंड वर्ड्स अंडर ईच कॉलम, यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स।
मैंने आपको बताया था कि ए साउंड होती है लेकिन उसमें भी अलग अलग साउंड सुनाई देती हैं, जैसे एट, एड, एम और एन। तो इस वाले बॉक्स में बहुत सारे इसी से अलग अलग साउंड वाले वर्ड्स लिखे हैं, तो आपने उनको इन्हीं बॉक्स में बांटना है। जो साउंड जिनकी साउंड एट है उनको एट में लिखना है, जिनकी साउंड आपको एट सुनाई देती है उसको आपने एट में लिखना है। जैसे एट साउंड वाले देख लीजिए एक बार, फर्स्ट वाला मैं आपको बता देती हूँ, ए टी एट। तो ए टी एट किस में आता है, सी, सी ए टी कैट, तो यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से एट किस में आया है, और आर ए टी रैट, यहाँ आ जाएगा। एड वाला देख लीजिए, एड वाले में है एल ए डी लैड। फिर दूसरा है एम ए डी मैड। अब एम किस में आया है, जैसे ए एम जिसके पीछे से ए एम लगा है वो है डी ए एम डैम। फिर है जे ए एम जैम, और लास्ट बचा हमारे पास ए एन साउंड, तो वो है हमारे पास एफ ए एन फैन, और लास्ट है एम ए एन मैन। तो ये आपने अपने आप से करना है। अब मैं आपको पेज नंबर 14 का मोर वर्ड्स विद ए साउंड की प्रैक्टिस करवाती हूँ। इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से आपने इसको अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे कि ए टी साउंड जहाँ पे सुनाई देगी, ए एन साउंड जहाँ पे सुनाई देगी, ए पी साउंड जहाँ सुनाई देगी, ए डी साउंड, ए जी साउंड। तो मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे एट का बैट, कैट, फैट, एन का कैन, फैन, मैन, ऐप का कैप, गैप, लैप, एट का बैड, डैड, मैड, ए जी का बैग, रैग, टैग। तो आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी में अच्छी सी राइटिंग बना के इसे करना है। और इसमें तो बुक में आपके पास 5-5 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आगे मैंने आपके लिए 2-2 वर्ड्स छोड़ दिए हैं सभी में, बाकी आप अपने आप से उनको कंप्लीट करके इनके आगे ऐड करके लिख देंगे। मैं सिर्फ 3-3 करवा रही हूँ, आपने जो 2 बच जाएंगे सभी में वो आपने खुद से ही करने हैं।